कोरोना की दूसरी लहर में जिन जिलों में हालात बेकाबू हुए उनमें तीसरी लहर की आने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है। कोटा भी उसी लिस्ट में शामिल है जहां अचानक स्थिति बिगड़ी थी और पॉजिटिव केसों का आंकड़ा हजारों में चला गया था। केस इतने आए कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन का टोटा हो गया। न्यू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना के अनुसार कोरोना को लेकर अभी भी 2 से 3 माह जनता को सावधान रहने की जरूरत है और नियमों की पालना को लेकर गंभीर रहने की आवश्यकता है। टीकाकरण अभियान की सफलता की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी दूसरी डोज कई लोगों को लगनी बाकी है, इसलिए जनता को सतर्क रहना चाहिए। मिशन अच्छा हुआ है और जहाँ जहाँ भी दूसरी लहर स्ट्रांग थी, ऐसा संभव है कि तीसरी लहर की तीव्रता उतनी ना हो जितनी दूसरी लहर की है, लेकिन अभी ये मान के चलना चाहिए कि तीसरी लहर आएगी और किसी भी स्वरूप में आ सकती है, जिससे कि हमारी तैयारी पूरी रहे और हम जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो पूरा प्रिकॉशन ले और ऐसी स्थिति ना बने जैसी कि दूसरी लहर में बनी थी कि एकदम मालूम नहीं चला था और नंबर ऑफ़ केसेस इतने बढ़ गए थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट केसेस इतने बढ़ गए थे। तो इसलिए अभी लोगों को 1-2 महीना और कम से कम सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करनी चाहिए और जब तक सरकारी स्तर पर ये एडवाइजरी नहीं हो कि आप अब रिलैक्स हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए जब तक वैक्सीनेशन और अच्छा ना हो जाए। सेकंड डोज अभी बहुत से लोगों को नहीं लगी है, फर्स्ट डोज तो फिर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर को लग गई है।